इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है दिल्ली के अलीपुर इलाके से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। टिल्लू गैंग के सदस्यों और पुलिस की स्पेशल सेल के बीच हुई है ये मुठभेड़। टिल्लू गैंग के एक सदस्य को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से उनकी जान बच गई। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की ही घटना है, दिल्ली के अलीपुर की ये घटना है, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच हुई है मुठभेड़। पुलिस को इस बात की खबर थी, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ पुलिस यहां पहुंची थी। अच्छी बात यह रही कि बदमाशों की तरफ से भी फायरिंग की गई, दो पुलिस वालों को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से उनकी जान बच गई है। एक बदमाश के घायल होने की खबर मिल रही है, इस बदमाश को बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के अलीपुर की तस्वीर है। दिल्ली में हुआ है शूट आउट, दो पुलिसकर्मी बचे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से, क्योंकि गोलियां इन्हें भी लगी थी। और जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से भी गोलीबारी की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। टिल्लू गैंग के बदमाश बताए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस यहां पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, और इसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।